हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं भयंकर ब्रो चैनल से एक वीडियो, और वीडियो का टाइटल है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इट मीन मीडिया, है ना? हमारे यहाँ तो फोर्थ पिलर मीडिया ही है, आपका भी सेम डेमोक्रेसी एक ही है, सेम ही होगा। तो देखते हैं जी, भयंकर ब्रो नेशनलिस्ट वीडियो, रवीश कुमार। ओके, ये मीडिया की बात होती है, बड़ा फेमस बंदा है ये। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कुछ आपके पास है हमें सजेस्ट करने के लिए तो ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं 3, 2, 1 एंड डिस्क्लेमर। मुंह छिपाने के लिए इसने भगवा अंगोछा बांध रखा है। दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा, क्या पता उस पर जश राम भी लिखा हो। यह ऐसा कॉकटेल है जिसका सेवन करने वाले खुद को परम खबरें सुना रहे, देशभक्त, क्या कर रहे हैं? भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, अंगोछा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। ये दलित या आदिवासी, ये एससी एसटी, इनकी औकात क्या है हमारे सामने? तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। ये मुझे मैटर का नहीं सदियों पता, क्या पुरानी वो सीन? सोच है जिसकी गहरी जड़ें अजीत इस अंजुम, प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी हो। अच्छा, वो ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई एक्यूज हिंदू है तो इसकी लैंग्वेज चेक करें। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई आफ्ताब, महताब या इमरान नाम का गुनाहगार मिला नहीं कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के तौर पर स्थापित करने में पूरा इकोसिस्टम जुट जाता है। क्या इसको हिंदू मुस्लिम का मामला देकर एक तरह से धर्म को फिर टारगेट करने का बहाना खोजना ठीक है, या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि यार एक तो ये माइनॉरिटी को पूना बिला वाला वजह एक की गुनाहगार है सिम्पथी और एक देना लड़की बंद का कर। कातिल है, उसको कंस्पिरेसी कहना, उसके बहाने हिंदू मुसलमान दिल्ली मर्डर केस एंगल वाला, देते हुए मुसलमानों को टारगेट करना, ये आपकी मानसिक विकृति के अलावा कुछ नहीं है। अबे साले, हमने आपको रोजाना देखते हैं, आप देशवादी विरोधी ताकतों के संग थे और हमेशा रहोगे। कौन है आप? हाँ, मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूँ। ये हुई ना बात। मैं देखो, जर्नलिस्ट का काम होता है न्यूज देना। आफताब अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता, बहुत सारे आफताब अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए, इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार चार लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया, उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला, ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही माँ मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन चारों लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा हो, मतलब यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं? जो रेपिस्ट होता है ना, उसका कुछ भी बनते हैं। We are like vultures. उसको फड़का दो। We feed on these moments. इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अच्छा। जब बहुत मनुष्य लग रहे हो, ना सेम कर रहे हैं। बेवकूफ बनाना छोड़ो, राम मंदिर बने बनना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अस्पताल है। भगवान राम का आशीर्वाद का पावर ना टेंट में कम हुआ था ना महल में कम होगा। 7 महीने से कोरोना फैला है, इतने महीनों में अगर एक आध अस्पताल की नींव रखते तब लगता कि आप कोरोना के शुभचिंतक हैं। और हाँ, कोरोना के अस्पताल बनाने के लिए कोई मस्जिद भी नहीं गिरानी पड़ती और ना ही कोई मुकदमा लड़ना पड़ता, समझे? मदरसे में कहीं वो आतंक का अड्डा दिखाई नहीं दे रहा था जो अक्सर न्यूज चैनलों पर दिखाई देता है। मदरसे की किसी मौलाना की दाढ़ी में मुझे आतंकी नहीं दिखाई दे रहा था। कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि जी मैं तो मौलवी बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन मैं गोदी मीडिया को देख करके गई थी। मुझे तो तलाश थी उन बच्चों की जो कहते कि मैं आतंकवादी बनूंगा जी, मैं फिदाइन बनूंगा। मैंने सारे बच्चों के बस्ते चेक करवाए। मैडम, सारे मदरसे भी एक जैसे नहीं है, कुछ हैं जो जिहादी बनाते हैं, कुछ हैं जो इंसान बनाते हैं। वो अड्डा कहाँ था जो मेनस्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों पर दिखता है? अगर टीवी वाला मदरसे में आतंक का अड्डा नहीं भी पूछ पाता है, तो भी मदरसे को आतंक का अड्डा बना मीडिया वाले। आ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये लो आपका जीवन जवाब उससे। किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को होमोसेक्सुअलिटी, इस
इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ के बच्चों के साथ टीचर के काम नहीं कर सकते, लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पढ़ने में अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें, और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया है, मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है, तमाम मुकाबले फिक्र बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या। और जिस फारग तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से डरता है इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी, उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूँ, इनके मदरसों में ये काम नहीं होते, और तकरीबन सारे मदरसों सब में होते हैं। कैसी लगी आगे सो ओके तो वेल अब कोई ये कहे कि यार इसमें जो है ना ये वीडियो इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि वीडियो वो रियलिटी दिखा रही है जो कि वहाँ पे मीडिया कर रहे हैं। मीडिया वहाँ पे अगर बात आ जाए किसी मुस्लिम की तो कुछ स्पेसिफिक चैनल हैं जो कि अगर जुर्म करने वाला मुसलमान है तो कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि ये कह रहे होते हैं जी कि इसको आप सिर्फ इस बंदे तक रखें, सब पे ना थोपें। लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो कहते हैं सारे अब्दुल एक जैसे हैं। ऑन द अदर एंड अगर कोई जुर्म करने वाला सनातनी है, हिंदू है, तो ए टू जेड सारे चैनल शुरू हो जाते हैं कि ये जनाब आरएसएस और ये कट्टर ज़हनियत, ये वो फ़लां फ़लां फ़लां, वो पूरे सनातनी समाज को रगड़ा दे देते हैं। मैं एज अ मुस्लिम और वो भी पाकिस्तान का, मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस पूरा वीडियो देखने के बाद कि देखें जी, जुर्म करने वाला चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जुर्म करने वाला मुजरिम होता है, और मुजरिम को हम एक्चुअली हम आज़ाद हुए ना गोरों से, तो हमने उनका निज़ाम अडॉप्ट कर लिए कि जुर्म करने वाले को वो लोग डाल देते हैं जेल में, चाहे उसकी जुर्म की संगीनियत कैसी भी हो। अब देखो छोटी मोटी चोरी चकारी, फ्रॉड करना, माली नुकसान किसी को पहुँचाना, यानी फाइनेंशियल कोई किसी को नुकसान पहुँचाना, चलो उसको तो जेल में डालो समझ में भी आती है। एक बंदा किसी की जान ले रहे, किसी की इज्जत लूट रहे, किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे, किसी को अगवा कर रहे, और अगवा के बाद उसके पास आपको पता ही है फिर क्या होता है, सावधान इंडिया हम सारे ही देखते हैं, तो उसको जेल में क्यों रखना है, उसको क्यों हकूमती खर्चे पे पालना है। भाई जो इस तरह की ज़हनियत के लोग होते हैं उनका एक ही हल है, एक बुलेट छोटी सी जो कि उनके अंदर उतार दी जाए और माशरे को सोसाइटी को उनसे साफ़ किया जाए। हम क्यों देखते हैं कि जनाब मुजरिम जुर्म करने वाला मुसलमान है या हिंदू, हमें यह देखना चाहिए जुर्म करने वाला एक मुजरिम है और उसकी एक ही सज़ा है। और ख़ास तौर पर जो रेपिस्ट होते हैं, जो एबडक्टर होते हैं, जो कि मर्डरर्स होते हैं, ठीक है, इनका तो एक ही हल होना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए, माशरे को इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ठोक दिया जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं बड़ा एक्सट्रीम स्टेप कह रहा हूँ, लेकिन सर देखें 90% केसेस में यही हुआ है कि ये लोग जब छूटते हैं तो ये फिर से वही काम करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या ही फ़ायदा है इनको रख के, मुझे समझ में नहीं आती। तो बाकी मीडिया को मेरे ख्याल में न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। हम देख रहे थे यहाँ पे कोई अगर सनातनी था तो लैंग्वेज बड़ी एक्सट्रीम थी, और अगर कोई मुस्लिम मुजरिम था तो वहाँ पे जो है ना क्रिमिनल के लिए भी सिंपथी दिखाई जा रही थी, जो कि सीधा सीधा हिपोक्रेसी है। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह हमें देखते रहिएगा, इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा और इसी तरह कॉन्टेंट शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।